ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द स्पाइन के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी खोखली होना या कमजोर होना। सो ये एक बहुत कॉमन बीमारी है और इसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हम इस बीमारी के बहुत सारे मरीज देख रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी की मात्रा कम होती जा रही है। सो इससे क्या सिम्टम्स आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द स्पाइन होने के कारण? तो इसके कारण अपने को बैकएक, मतलब कमर में दर्द होना, करवट बदलने पे दर्द होना या कंटिन्यूस दर्द होना, हमेशा पेट दर्द बना रहना और हल्का सा गिरने के बावजूद फ्रैक्चर्स होना, मतलब वर्टिब्रा के फ्रैक्चर्स होना, ये लक्षण हमें ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ स्पाइन की वजह से आ सकते हैं। तो इसके लिए इसके बारे में जानना कि ये क्यों होता है और उसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, ये जरूरी है। सो अगर हम अपने स्पाइन को समझे तो इसमें 5 वर्टिब्रे कमर में रहते हैं और अपनी छाती के वर्टिब्रे 12 रहते हैं। तो जब हड्डी की घनता या घनत्व डेंसिटी कम हो जाती है तो हड्डी अंदर से खोखली हो जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है और जो हड्डी का स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है। इसके कारण हड्डी जो होती है अपनी, मतलब स्पाइन, वो कोलैप्स हो जाता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि फ्रैक्चर होने के बाद बोन के दोनों फ्रैगमेंट अलग हो जाते हैं, लेकिन स्पाइन में उल्टा है। हड्डी जब फ्रैक्चर होती है स्पाइन की तो वो कोलैप्स हो जाती है या ट्रायंगुलर बन जाती है और वर्टिब्रा की हाइट कम हो जाती है। तो इसके कारण जो हड्डी के पीछे अपनी नस है इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर कभी कभी प्रेशर आ सकता है या पैरों में वीकनेस आने के भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है। ज़्यादातर मरीजों में ऐसा पाया जाता है कि मल्टीपल वर्टिब्रे की हाइट कम होके पेन ये उनका मेजर सिम्टम रहता है। तो ये क्यों होता है और कितने परसेंट पॉपुलेशन में पाया जाता है? तो अगर हम इसका इंसिडेंस देखें तो आज ऑलमोस्ट 80% ऑफ पेरीमेनोपॉजल वीमेन अबोव द एज ऑफ 40 और ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ ऑल पॉपुलेशन अबोव द एज ऑफ 50 ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है। ये इतना कॉमन है क्योंकि अप टू द एज ऑफ 40 महिलाएं उनके हॉर्मोन्स की वजह से प्रोटेक्टेड रहती हैं। जैसे ही हॉर्मोन्स का इफेक्ट मेनोपॉज होने के बाद कम होने लगता है तो हड्डी अपना खोखलापन महसूस करा के देती है और ओल्ड एज में भले ही वो पुरुष हो या महिला हो, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस वापस कॉमन हो ही जाता है। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, इसलिए महिलाओं में फ्रैक्चर्स के प्रमाण ज़्यादा देखते हैं। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, इन दवाइयों की वजह से भी कभी कभी हड्डी कमजोर हो जाती है। So, अपन ने देखा कि ऑस्टियोपोरोसिस के बाद अपन क्या लक्षण है और इसमें ये क्यों होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऑस्टियोपोरोसिस अवॉइड करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि अपना बोन और मसल मास अच्छा रहे, बोन की घनता अच्छी रहे और एक अच्छा डाइट जो विटामिन डी और कैल्शियम में परिपूर्ण हो, ऐसा डाइट हमें लेना चाहिए। दूध या अंडे या मांसाहार, ये हमने अगर आप मांसाहारी है तो इसमें ज़्यादा विटामिन डी और कैल्शियम रहता है और धूप में एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। तो एक्सरसाइज से बोन स्ट्रांग हो जाते हैं प्लस धूप से अपने को विटामिन डी मिलने की संभावना ज़्यादा। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण आप में है तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक बोन डेंसिटोमेट्री नाम की एक टेस्ट होती है, उसमें हम बोन की घनता देखते हैं। अगर इसका बोन डेंसिटोमेट्री का स्कोर -2.5 के नीचे है तो इसका मतलब आपकी हड्डियां बहुत कमजोर है और आपने विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। अगर वो -3.5 से कम है तो इसका मतलब आप फ्रैक्चर्स होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो। तो ऐसे इसमें आपने कुछ सप्लीमेंट्स, नेजल स्प्रे या कुछ इंजेक्शंस आपके डॉक्टर की सलाह से लेने चाहिए। तो परिपूर्ण आहार ले, अच्छा एक्सरसाइज करे, विटामिन डी ले, अगर नहीं तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और अपने हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बना के रखें। थैंक यू।